आप में से कई सारे ऐसे बिटसेट 2022 एस्पिरेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने जो है आज से तैयारी स्टार्ट की तो क्या हम बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, वो भी एक डिसेंट स्कोर के साथ। या फिर उनको ये लग रहा होगा कि कहीं वो बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सिंपल सा आंसर है कि हाँ, अगर जो है आप आज से भी स्टार्ट करें तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में हमें पता है कि अभी जो है डेट्स आ जाएगी और उसके लिए आपके पास जो है इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस टाइम पे जो है आपको हाई वेटेज चैप्टर्स और इन सब पे ही थोड़ा वर्क करके एक डिसेंट स्कोर को लाना होगा। बट बिटसेट के लिए आपके पास 4 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, ठीक है। तो अभी जो है डेट्स भी नहीं आई है और वो जो है आपकी डेट्स काफी लेट ही रहेगी, तो मतलब आपको 4 महीने के आसपास का प्रॉपर टाइम मिल रहा है और इतने टाइम में जो है आप बिटसेट में एक बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। बस आपको समझना होगा तो पैटर्न ऑफ एग्जाम को और उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी को। तो इसमें जो है आपने अगर प्रॉपर तरीके से अपना प्लान बनाया तो ये टाइम आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए। तो यही चीज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप में से यार लगभग सभी लोगों ने जो है जेईई मेंस की तैयारी तो करी ही होगी, ठीक है। तो यार जो जेईई मेंस के लिए आपने चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो वो आपके लिए जो है बिटसेट के लिए भी कवर हो चुके हैं, क्योंकि जेईई मेंस और बिटसेट के सिलेबस में ऐसा कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जेईई मेंस के लिए अगर आपने जो है वो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है तो उसका फायदा आपको बिटसेट में दिखने ही वाला है। अब जो चैप्टर्स आपके जेईई मेंस में छूट गए तो उनको आपको क्या करना है यार, उनके जो है प्रॉपर तरीके से आपको ओवरव्यू करना है उस चैप्टर का, ठीक है। मतलब आपको जो है उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और इस तरीके से जो है आपको बिटसेट के लिए उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि बिटसेट एक ऐसी एग्जाम है जहां पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड भी देखने को मिल जाते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि सिंपली उस फॉर्मूले का हमें एप्लीकेशन लगाना होता है क्वेश्चन के अंदर। जबकि जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलते हैं और ज्यादा क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पे आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है हमारी दोनों एग्जाम्स के अंदर। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे तो भाई हर कोई जो है बिटसेट के अंदर एक बढ़िया स्कोर ले आता होगा, बट हम ऐसा जानते हैं कि ऐसा भी नहीं होता है। तो एक्चुअली डिफरेंस कहां पे आ जाता है कि भाई आपकी जो जेईई मेंस का पेपर होता है उसके अंदर आपको 75 क्वेश्चंस को करना होता है 180 मिनट्स के अंदर, जबकि बिटसेट एग्जाम में हो जाता है आपके 150 क्वेश्चंस जो कि आपको कंप्लीट करना है 180 मिनट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है स्पीड एंड एक्यूरेसी का। बिटसेट में आपको काफी बढ़िया स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे आपको जो है क्वेश्चंस के लिए ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि आप उसके अंदर सोचे और दिमाग लगा के जो है सॉल्व करें। वहां पे आपका ऐसा रहता है कि भाई क्वेश्चन आपको देखा हुआ है और आपको जो है उसका अप्रोच पता है, आपको फटाफट पेपर पे जो है पेन चलाना है और अपना आंसर निकालना है, ये चीज होती है। तो इसलिए जो है उसमें क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा इजी रखा जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब उस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करें और इसी तरीके से जो है आपका एक बढ़िया स्कोर बन पाता है बिटसेट में। तो यहां पे जरूरी ये है कि प्रिपरेशन फेज के अंदर जो है आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करें। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस यानी कि आप जो भी क्वेश्चन का सेट अभी प्रिपरेशन के टाइम पे लगा रहे हैं, ठीक है, उसको एक प्रॉपर टाइमर के साथ सॉल्व करें। जैसे आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर जो है 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से जो है आपको एक टारगेट लेके चलना होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपसे सारे 20 क्वेश्चंस बन जाए, बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे बनते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो है स्पीड बढ़ते जाएगी और फाइनल एग्जाम के टाइम तक जो है आप अपनी स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। अब बिटसेट एग्जाम के लिए आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बिल्ड करने के लिए एक और बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। आप जिन लोगों से भी बात करेंगे जिनके जो है बिटसेट में 300 के अबव नंबर आए हैं, उन सभी ने जो है अपने टाइम पे मॉक टेस्ट जरूर लगाए होंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है यार, आपको पता चलता है कि अभी आप स्पीड एंड एक्यूरेसी में कहां पे लाए कर रहे हैं और आपको जो है किस तरीके से अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है। बट देखिए, मॉक टेस्ट आप ऐसे सिंपली जाके नहीं लगा सकते अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नहीं तो भाई आप खुद ही जो है आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि भाई आपसे क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भाई 2 से 2.5 महीने का टाइम जो है आप लेके चलिए कि इसके अंदर जो है आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। मतलब जो भी आपके वो वीक कॉन्सेप्ट्स रहेगा और वीक चैप्टर्स रहेगा उनको जो है इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, बाकी जो आपके स्ट्रांग पोर्शन है उनके थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टाइमर के साथ ताकि आपकी उनमें भी स्पीड बढ़ती जाए। तो ये चीज जब आप कर लेंगे और 70-80% आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा तब आप जो है मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि आखिरी का 1.5 महीना भी जो है काफी रहता है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। आपको वीक में 1 से 2 टेस्ट लगाएंगे तो और उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको बिटसेट में दिखने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा एलआर और इंग्लिश,
क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो कि आपको जेईई मेंस में नहीं देखने को मिलता है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे सिंपली स्किप कर देते हैं ये सोच के कि भाई बिटसेट में हम आखिरी में जो टाइम मिलेगा उसके अंदर इस पोर्शन को कर लेंगे। बट यार यहीं पे आप गलती कर जाते हैं क्योंकि ये पोर्शन का वेटेज हो जाता है 75 मार्क्स। तो यार इसमें अगर आपने जो है अच्छे तरीके से एफर्ट डाल लिए तो आपके 70 प्लस आराम से आ सकते हैं। बस ये जो है ये स्कोर आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा देगा आपके बिट सेट में। तो एलआर और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है मतलब इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली जो है एक रीडिंग हैबिट डाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका आप कोई एक आधा आर्टिकल रोज का पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है आपका वोकैब ग्रामर और ये सब चीजें स्ट्रांग होते जाएगी, साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी थोड़ी जो है स्पीड रीडिंग आ जाएगी। तो ये चीजें जो है आपको काफी फायदा देगी। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के लिए यार आपके जो पोर्शन से आपको ब्रोशर में दिख जाएंगे तो उनको आप सिंपली सर्च करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो उसके लिए हमने एलआर और इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करके रखी है, तो उससे भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा। तो उनको भी आप जो है जरूर चेक कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोग बिटसेट 2022 को क्रैक तो करना चाहते हैं बट आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो यही सोचते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बिटसेट क्रैश कोर्स 2022। तो ये कोर्स के अंदर आपको मिल जाता है डीपीपी क्वेश्चन बैंक, जो उसमें जो है आपको बिटसेट से रेलिवेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देन आपके लिए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, फिर आपको इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि आपके रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में। लाइव में आपको इस साथ जो है काफी सारे बिटसेट के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रहेंगे जो कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि आपके प्रॉपर टाइमर के साथ, और साथ ही साथ उसके अंदर बोनस क्वेश्चन का भी फंक्शन जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये सब जो है आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाता है और इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल रखा गया है। और साथ ही साथ अभी जो है स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड रखा गया था 1000 रुपीज का, तो ये जो है ये कूपन कोड लगा के आपको इस कोर्स पे 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जो है चैनल को नया ही ज्वाइन किया है तो उनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता चल पाया था, तो ये जो है अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड इसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट tenqchallenge.com पे। बाकी कोर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर अनाउंसमेंट और डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, तो आप जाके जो है उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, देन आप जो है इसको इनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो ये कोर्स जो लोग भी यार बिटसेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस मौके को नहीं छोड़िएगा। और बाकी जो है एक प्रॉपर प्लान के साथ आप स्टिक हो जाइए तो आप जो है बिटसेट 2022 को एक डिसेंट स्कोर के साथ जो है क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।